नमस्कार, मैं सचिन दुबे। आप सभी दर्शकों का इंडियन सिटीजन टीवी में स्वागत है। आज मीरा भाईंदर के मुरलीधर कंपाउंड में जो वहां के स्थानीय निवासी हैं, उन्होंने पुलिस पर एक तरफा कार्रवाई करने का आरोप लगाया है। यहां पर एक जमीन को लेकर विवाद चल रहा है, जिस पर पुलिस को बुलाया गया था, लेकिन पुलिस ने जो स्थानिक हैं उनका साथ ना देते हुए एक तरफा कार्रवाई की है, ऐसा आरोप वहाँ के स्थानिक लोग लगा रहे हैं। आखिर आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है। कितना साल से इधर रह रहा है, हमारा घास का गाड़ी नहीं आने देता है, गेट बंद कर देता है, बच्चे लोग को भी मारता है, हम लोग को भी मारता है, फिर हमारा कंप्लेंट भी नहीं सुनता है। कंप्लेंट करने को जाता है पुलिस को, उधर पैसा भर देता है, फिर हमारा कंप्लेंट नहीं सुनता है, फिर दादागिरी करता है। लुखे लोग का जो आदमी ना वो सामने नहीं आता है, हम दूसरे को भेजता है लुखा लोग को, तो हम लोग को, हमारा भाई लोग को, हम लोग को, छोटे बच्चे को अंदर नहीं घुसने देता है। सब ये रामजी भाई का आदमी लोग करती है। आज भी यही हो रहा है कि मैं हमारा भाई को गाली गाली दे के सामने मारने को दौड़ा और शर्ट बर्ट सब फाड़ दिया, आज का भी चक्कू हाथ में लगा दिया। पुलिस में 3 दिन से हम लोग कंप्लेंट कर रहे हैं, हमारा कंप्लेंट लेते ही नहीं है पुलिस। अभी हम लोग पुलिस चौकी में जाके आया, मगर हमारा कंप्लेंट एक भी नहीं। सुबह से आई, एक बार देख के चली गई, बोलता है हमें मुंबई वाली है, हम लोग इधर नहीं आएगा। हम लोग का जगह है, कितना साल से हमारे परदादा का जगह है ये, और हम लोग को ये घास का गाड़ी नहीं आने देंगे, किसको अंदर आने देने देंगे। पुलिस चौकी से हम लोग 4 महीने से दौड़ रहे, लेकिन हम लोग वहाँ पे कंप्लेंट सुनते नहीं है, और यहाँ से इन लोग का आदमी लोग कम से कम 8-9 महीने से ज़्यादा ला के रख दिए है। क्या इधर तुम लोग रो करके, हमारा देवर उधर खड़े थे, उधर गेट लगाने के उसमें, तो हमारा देवर आ गया तो उसको सामने से मारा, और हमारे सास बीच में छुटने के लिए उसको भी हाथ में लगा। खाल कोई नहीं भैया, हमारा जगह है, उसमें डालने को जाता है, घास डालता है, वो हमारा चीज डालता है, तो ये लोग आके झगड़ा करता है, गुंडागिरी करता है, दारू पी के आके हमको निकाल देता है। तुम लोग ऐसा काय को करता है, तुम लोग क्या इतना तुमको करने का क्या जरूर है, काय को हमको परेशान करता है, फैमिली लेकर बैठा है, धंधा लेकर बैठा है, तो तुम ऐसा करेगा तो कहाँ तक चलेगा हमारा। तुम लोग काय को हमारे पीछे पड़ा है, काय तुमको क्या मिलेगा पीछे पड़ के, हमारा रात दिन धंधा करने को हमारे कोई ऐसा आलतू फालतू आदमी नहीं है। 80 साल हो गया हमको इधर, फिर तुम भी ऐसा हमारे करके क्या ले लेगा तुम लोग, क्या फैमिली को मार के लेगा जगह तुम लोग। को मालूम पागल के जैसा सब अलग करते थे, उसको मारा मारी करने को लगा तो सब उसको अलग करने को गई, मालूम तो हमको लगा दिया वो सब नाम लिखा कंप्लेट लिया है। वो पैसा आदमी वो करोड़ रुपया वाला है तो पैसा खिला देता है, हम लोग को धक्का मार देता है, लेकिन मेरा भगवान नहीं छोड़ेगा तुमको, कुत्ते के माफक मरेगा तुम। देखो जितना हमारा हैरान करता है ना हमारा फैमिली को, हमारा बाल बच्चे को, तुमको कुछ नहीं छोड़ेगा। कोर्ट में हमारा हमारा सब जगह है, घास डाल दे पता है, घास डालने को ये देखो सब डालता है, लेने को जाता है, डालने को बोलता है, हमारा अंदर मत आओ, क्यों नहीं आएगा भाई, 80 साल का हमारा लेकर बैठा है, तुम लोग धक्का मार के निकलेगा तो ऐसा थोड़ा चलेगा। ऐसा पुलिस चौकी भी पैसा खिला देता है तो हमारा सुनता नहीं है, गरीब आदमी का हाय लेगा ना, तुमको भगवान नहीं छोड़ेगा किसको, ऐसा हाय मत लो, पैसा के सामने मत देखो, आदमी के सामने देखो, फैमिली के सामने देखो, ऐसा गरीब आदमी छोटा छोटा बाल बच्चा को हैरान करके क्या फायदा मिलेगा तुमको। साहब उधर हमारे जगह में आके लुखे लोग 50-60 साल से हमारा बाप दादा ने प्रॉपर्टी खरीदा, उधर 50-60 साल से लुखा और रामजी भरवाड़ उधर बेच के लफड़ा करवाता, इज्जत निकाला, फिर मैं बोलने गया कि भाई काय को तुम ऐसा करता है, जो होएगा उसको सामने बोल रहा हूँ, मालिक होएगा जगह, अगर उसने लिया होगा तो हमें मेरे को तो डायरेक्ट आके मारने लगे, 4-5 जन मेरे ऊपर चढ़ गए डायरेक्ट, फिर भी मारा, देखो मेरे को देखो इधर मारा, देखो मेरे को देखो देखो इधर सूजन भी आ गया, देखो ये देखो तलवार लाया तो देखो मेरे माजी ने पकड़ने गई तो उसको इधर लग गया, मेरी माजी को तलवार लगाए हमारी जगह में, हमारे उसमें लुखा लोगों को लेके उसको प्रॉपर्टी हमारा ले लेने का, 3 बार पुलिस स्टेशन आके गए, हमारी गरीब आदमी की कोई सुनवाई नहीं होती है, वो बोलता है मैं पुलिस चौकी में 50 लाख दिया है, 25 लाख दिया है, पुलिस कोई तुम्हारे पास नहीं आएगा। अभी सर मेरा सुबह सुबह में मेरी प्रॉपर्टी पे बिल्डर के आदमी लोग भू माफिया बैठे, कम से कम 15 लड़के लोग बैठते, अभी लोग जबरदस्ती गेट लगाने के लिए आया, तो मैं मेरी प्रॉपर्टी पे गया तो मैं पूछा काय के लिए तुम लोग गेट लगा रहे है? तो बोलता तेरे को जो करने का करो, भाई ने जगह ले लिया है, तू तेरे को जो करने का, मैं ऐसे करके वो लोग से समझा रहा, भाई तू मेरे को पुलिस चौकी में लोग को बिठाया, हमारा कोई सुनवाई नहीं हुआ सर। परसों भी हम लोग गए, हम लोग का पूरा गाले वाले को, हमारा गाड़ी थोड़ा घास है मेरे भैंस के लिए, घास को जानवर के लिए वो लोग गाड़ी अंदर जाने नहीं दिया, और दादागिरी करके पूरा मेरा घास पूरा, हमने रात को घास मंगाया, पूरा घास हम लोग बाहर निकल दिया, रोड के ऊपर हमारा पूरा मतलब घास डाला, अभी भी आप जाके दे सकते हो, पूरा गटर के ऊपर डाला, हम लोग को BMC वाले भी कंप्लेंट कर रहे थे, बोला तुम्हारा घास हम लोग उठाओ, सर हमारी हमारी प्रॉपर्टी में हम हमारी जगह में हम लोग घास नहीं डालेंगे तो किधर डालेंगे। हम लोग आए अभी, वो लोग NC ले रहे, सुबह से हम लोग 11 बजे से केस कर रहा हूँ सर, अभी तक मेरा देखो कितना बज रहा है, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुआ, ले रहे करके हम लोग उधर बिठा के लगे, अभी हम लोग का बोलता है ठीक है बात कर रहे हैं, साहब से बात करो, पेपर लेके आओ, पेपर दिखा, हम लोग पेपर भी लेके आए, पेपर भी दिखाया, तो भी उसके पास कोई पेपर है नहीं सर,
उसको बोला तुम्हारे पेपर है तुम लेके आओ, नहीं तो कोर्ट में जाओ, कोर्ट से हमारा लेके आओ, तुम कोर्ट से हमारा हाई कोर्ट में, जब कोर्ट में केस चालू है तब तक तुम्हारे पास कोई पेपर है तो हम लोग को दिखा, बोलते हमने जगह ले लिया, तुमने जगह ले लिया तो हमको पेपर दिखाओ सर, तुमने पेपर ले लिया तो हमको पेपर दिखाओ, हम लोग खाली कर देगा सर। अभी वो जबरदस्ती 8-10 लड़के लोग बिठाते और रात को भी सर ये लोग 10-10, 12-12 लड़के लोग बिठाते, वो कंटेनर उसका जबरदस्ती डलवाया है, 10-10, 12-12 लड़के लोग दारू पीते उधर ही, मटन खा के उधर ही सब बाहर फेंकते, अब प्लेट उधर देखो, फिर उधर भी हम लोग को भी जब से हम लोग वो लोग आए तभी से हमारा गाले वाले को किसको जाने को मना करते, 10-12 साल से हमारा सब गाले भाड़े पे चढ़े हुए सर, रोड कटिंग हुआ तभी से हम लोग गाला बनाए तो उसके ऊपर लोग एनसी डालते, उसके ऊपर कुछ भी लोग कार्रवाई करते, अभी हम लोग जाते हैं उधर हम लोग तो सर हम लोग को क्या बोलते हैं कि तुम पहले गाला खाली करो सर, अभी हम लोग को ऐसे करके BMC में भी लोग कम सर यही मांगते हैं हमको, हमारा जो कॉर्पोरेट करे हम लोग को सहायोग दे, लोग हम लोग ये दादागिरी करते हैं सर, हम लोग भी सुबह में भी रोड पे बैठे, हम लोग को भी पुलिस वाले को बुलाया, वो लोग सब दादागिरी करके हम लोग को साइड में करा दिया पूरा। हम लोग ने एक्चुअली कल वहाँ पे हम लोग 5500 साल से रहते, हमारा बाप दादा का पूर्वजों का प्रॉपर्टी हम लोग का, और हमारा कुछ पगड़ी सिस्टम जगह में हमारा कोर्ट से वाद विवाद 2004 से चल रहा है अभी तक, और अभी तक हमको हाई कोर्ट में भी हमारा चल रहा है और सूट सिविल थाना कोर्ट में केस चल रहा है, उनके अलावा भी कुछ माफिया लोग हमारा पार्टनर हमसे झगड़ा करके मतलब हमको बोल रहा है हमने पार्टनर को बेच दिया है और तुम भी इस बिल्डर को जगह बेच दो, हमने बोला हम लोग ऐसा नहीं बेच सकता है क्योंकि हमको कोर्ट का और हाई कोर्ट का कोई भी हमको ऑर्डर नहीं है बेचने के लिए, कोर्ट का हाई कोर्ट का कोई भी ऑर्डर नहीं बेचने के लिए, और फिर भी ज़बरदस्ती ये लोग हमको बोलता है तुम जगह बेच के इधर से भाग जाओ नहीं तो हम तुम लोग को मार डालेंगे, नहीं तो तुम्हारा परिवार को ख़त्म कर देंगे, और वो बिल्डर दहसर नॉर्दर्न हाइट का बिल्डर है जबकि वहाँ पे भी लोगों को पोजेशन नहीं दिया हुआ है, वहाँ का बिल्डर ने पोजेशन नहीं दिया है, और वहाँ से मैं भी सुबह सुबह निकल के मेरे ऑफिस पे गया था, वहाँ से मुझे इतना टेंशन आया पूरा परिवार मेरा भी मैरिज मंडप डेकोर का बिजनेस है, मैं पूरा छोड़ के ऑफिस पे था, वहाँ से छोड़ के वहाँ से मैं छोड़ के आया, मुझे फ़ोन आया कि तुम्हारे घर पे इधर तुम्हारे प्रॉपर्टी में बड़ा लफड़ा चल रहा है, तो मैं भागते भागते आया तो देख रहा तो इनके 20-25 बिल्डर के लुखे लोग बबली लोग तलवार बिलवार लेके हमारे माँ को भी लगवाए हाथ में लगा और हमारे माँ को भी तकलीफ हो गया, और पुलिस चौकी में हम लोग ने एक दिन पहले यहाँ पे आके पूरा बता के गए थे, स्टैम्प मरवा के गए थे कि हमारा कंप्लेंट भी लिखवा के गया कि हमको यहाँ पे धोखा लग रहा है और बिल्डर के आदमी हम लोग को जबरदस्ती नहीं करे, इनके अलावा भी पुलिस हम लोग को सपोर्ट नहीं करे पे सपोर्ट नहीं करी, हजारे साहब के साथ हम लोग मिल के गए, कल रात को फ़ोन करवाया परसों फ़ोन करवाया, उन्होंने क्या बोला आपके उधर कुछ भी नहीं होगा, और हम लोग बिल्डर के आदमी हमको ऐसा बोल रहे हैं कि हम लोग ने वहाँ पे तुमको जिधर जाना उधर जाओ तुम्हारा कुछ नहीं होगा क्योंकि हमारा पूरा सेट हुआ है, अरे सब हम लोग यहाँ पे तबेले वाले दूध वाले हैं, हम लोग पैसा किधर से लाएंगे, तुम्हारे बिल्डर के पास पैसा है तो इसका मतलब है कि हम लोग किधर से आदमी भाड़े पर, हमारे बाल बच्चे परिवार वाले हम लोग वहाँ पर हम लोग 5500 साल से उस प्रॉपर्टी में रहते, 4-5 आदमी रोज दारू पी के बैठे रहते, हम लोग को उन्होंने बोला हमारे पार्टनर को तुम्हारा कोर्ट केस से विवाद चल रहा है तो तू इसमें आदमी लोग क्यों बैठा रहा है, तो वहाँ पे वो लोग मतलब दारू खाना खोल के रखा जबरदस्ती परिवार लेके हम लोग बैठे और रात को लड़की लेके आते रात को भी वो सब काम करते और हम वहाँ पे परिवार लेके बैठे, हम लोग को पुलिस कंप्लेंट किया फिर भी पुलिस हमारी नहीं सुन रही, और वहाँ पे वो लोग मतलब बियर बार जैसे रात को 10-12 लड़के बैठते हैं औरत लोग लेके बैठते ऐसे, तो कल हमारे परिवार के ऊपर कोई गलत नज़र से नहीं देखे वो भी हमको हमने पुलिस को बताया फिर भी वो लोग हमारा सुन नहीं रहे, इस परिवार लेके यहाँ पे रोजी रोटी करके यहाँ पे कमा रहे फिर भी लोग हमको कोऑपरेट नहीं कर रहे, पुलिस सब बड़ा बिल्डर बोल रहे हम लोग माफिया है वहाँ पे उसका पहुँच ऊपर तक है तुम लोग को जिधर जाना है उधर जाओ बिल्डर बोल रहा है, तुम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे तुमको जिधर भी जाना है उधर जाओ, और हमको धमकियाँ दी जाती है रात को फ़ोन करके ये कल तू साइन करके दे देना नहीं तो उनको हम लोग उड़ा देंगे ऐसा सब धमकियाँ दी जाती है हम लोग को। मीरा भाईंदर वसई विरार पुलिस आयुक्तालय जब से मीरा भाईंदर में बना है तब से मीरा भाईंदर की जो पुलिस है वो अपना दबदबा मीरा भाईंदर में कायम करते हुए नजर आ रही है, लेकिन जो यहाँ के स्थानिक हैं उनका ऐसा आरोप है कि जब कभी बिल्डर और स्थानिक के बीच में कोई वाद विवाद होता है तो पुलिस प्रशासन बिल्डर की बात सुनती है और स्थानिक की बातों को नज़रअंदाज कर देती है, उनकी कोई सुनवाई नहीं होती है, और जब हमने उनसे बात की तो उनका ऐसा कहना है कि पुलिस प्रशासन बिल्डर हो या कोई भी व्यक्ति हो जो भी पुलिस प्रशासन का नाम खराब करे या उनके दबदबे पर कोई सवालिया निशान खड़ा करे ऐसे लोगों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए ताकि जो मीरा भाईंदर वसई विरार पुलिस आयुक्तालय का जो दबदबा मीरा भाईंदर में बना हुआ है उस पर कोई भी सवालिया निशान खड़ा ना कर सके और पुलिस प्रशासन अपना काम निष्पक्ष रूप से कर सके। इंडियन सिटीजन टीवी के लिए अजय यादव के साथ मैं सचिन दुबे।